मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ, एक मजेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। प्रेमिका अपने प्रेमी से बोली, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। प्रेमी बोला, हाँ करता हूँ। प्रेमिका बोली, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम रोओगे? प्रेमी बोला, बहुत। प्रेमिका बोली, बहुत? जरा रो कर दिखाओ ना। प्रेमी बोला, पहले तुम मर कर तो दिखाओ। प्लेन में 4 से 5 ड्रिंक लेने के बाद ब्रिटिश, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन, मैं अब इंटरनेट पर अपना काम करूँगा। जर्मन, मैं फिल्म देखूँगा। चीनी, मैं गाने सुनूँगा। भारती, अब तुम्हारा भाई प्लेन चलाएगा। प्लेन दो बच्चों की माँ तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत कोशिश की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। तंग आकर माँ बोली, चुप हो जा वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। बच्चा चुप। हमेशा दो बातें याद रखना। पहली बात, हर इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिखता है। दूसरी बात, इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिखता है। पेन गुम हो जाए तो नया पेन खरीदा जा सकता है, लेकिन उन पेन का ढक्कन गुम हो जाए तो उन ढक्कन को नहीं खरीद सकते। इसीलिए अपने दोस्तों का ख्याल रखें, क्योंकि उन ढक्कनों में कुछ तो खास बात होती ही है। टीचर, नेताजी आपका बेटा फेल हो गया और आप लड्डू खिला रहे हो। नेताजी, 80 लड़कों की क्लास में 60 फेल हैं। बहुमत तो मेरे बेटे के साथ ही है। दरोगा जी ने अपने बेटे से पूछा, इतने कम नंबर क्यों आए? आज से तेरा खेलना, टीवी देखना सब बंद। बेटा बोला, पापा ये लो 100 रुपए और बात को यहीं पर खत्म करो। एक महिला, सेठ जी लाल मिर्ची देना। सेठ नौकर से, हरी मिर्ची दे जल्दी। महिला बोली, सेठ जी लाल मिर्ची चाहिए। सेठ बोला, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से, पागल हो क्या? सेठ लाल मिर्ची चाहिए लाल। सेठ बोला, बहन जी ठंड रखो ठंड, लाल मिर्ची ही दूंगा, हरी तो मेरे नौकर का नाम है। पुरुष 2 रुपए का शैम्पू पाउच खोलेगा, आधा शैम्पू ही इस्तेमाल करेगा और बाकी आधा कल लगाऊंगा ये सोचकर छोड़ देगा। लेकिन 200 रुपए का क्वार्टर खोलने के बाद कभी भी आधा कल के लिए नहीं छोड़ता है। लड़की बोली, पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ, पति है, एक बॉयफ्रेंड भी है, एक्स बॉयफ्रेंड भी है, पड़ोस में रहता है और कल बास ने मुझे प्रपोज किया है, उन्हें मना भी तो नहीं कर सकती।
लड़का काफी देर देखने के बाद बोला, देख ले कहीं अर्जेंट हो सकता हूँ तो कर ले। पत्नी पति से बोली, जानू काश आप मैसेज होते, मैं आपको सहेज कर रखती और जब चाहती तो पढ़ती। पति बोला, कंजूस कहीं की, जैसे फॉरवर्ड करने का ऑप्शन तो पता ही नहीं तुम्हें। पत्नी को लगा सदमा। बेटा अपनी माँ से बोला, मुबारक हो माँ, आज मेरी सास जन्म के लिए नौकरी लग गई है। माँ बेटे से बोली, अच्छा बेटा वह कैसे? बेटा बोला, क्योंकि माँ मुझे एक टीवी सीरियल में काम मिल गया है। माँ हुई शॉक्ड। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए? अध्यक्ष बोला, आप सूखा ग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उनसे बारिश का वादा कीजिए। युवती ने अपने तीसरे विवाह पर पुराने प्रेमी को निमंत्रण पत्र भेजा और शादी में आने के लिए कहा। शादी का निमंत्रण पाकर प्रेमी बहुत खुश हुआ और बधाई का तार भेजा, ईश्वर करे आपकी जिंदगी में यह दिन बार बार आए। जज बोला, जब तुमने अपनी पत्नी और प्रेमी को एक साथ देख लिया तो तुमने अपनी पत्नी को ही गोली क्यों मारी, प्रेमी को क्यों नहीं? संता बोला, माय लॉर्ड, क्या ये ठीक होता कि मैं हर महीने एक नए आदमी को गोली मारता फिरूं? घोंचू बोला, कल रात मैं टॉयलेट गया तो वहां देखा कि एक भूत बैठा है। पोंचू बोला, फिर क्या हुआ? घोंचू बोला, होना क्या था, मैंने उससे कहा कि भाई आप ही कर लो, मेरा तो वैसे ही निकल गया है।